दिसंबर मंथ में कौन कौन से पौधे हम कटिंग से लगा सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। ठंड का मौसम होता है दिसंबर का महीना, और दिसंबर से हमारी जो है ठंड शुरू हो जाती है ज्यादातर। तो इस महीने में हम अपने जो प्लांट्स की कटिंग है वो कौन कौन से प्लांट की कटिंग से लगा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी ये पेंसिल कैक्टस को हम कटिंग से लगा सकते हैं। और इस तरह से इसका पौधा होता है, देखिए इस पे पत्तियां भी आती है लेकिन डंडियां ज्यादा होती है, और पत्तियां आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी सी पत्तियां होती है। तो ये पेंसिल कैक्टस है और कटिंग से बहुत जल्दी से ये लग जाता है। तो कटिंग से आप इस प्लांट को लगाइए और देखिए नीचे नीचे ये डिवाइड होता रहता है इस तरह से। तो आप एक कटिंग से लगाएंगे, मतलब एक डंडी भी आपने लगा दी तो नीचे से ये इतने सारे अपने आप ही डिवाइड होते चले जाते हैं। तो इस पेंसिल कैक्टस को लगाइए दिसंबर के महीने में, कटिंग से ये लग जाता है। और दूसरा है हमारा स्पाइडर प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत जल्दी ये लग जाता है। वैसे तो ये डोरमेंट प्लांट है लेकिन आप इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और इसको वैसे ये जो इसके पप्स होते हैं ये निकलते हैं, इन्हीं को आप मिट्टी में रख देने से ही ये प्लांट हमारा ग्रो हो जाता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए चाहे आप पॉट में लगाइए। तो ये है हमारा स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, इसी के अंदर रूट होती है। ये देखिए इस तरह से इसकी जो है रूट होती है, यही मिट्टी में टच होने से ये हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इस प्लांट को आप लगाइए। और इसके बाद है हमारा कोलियस का प्लांट। वैसे तो देखिए दिसंबर में ये डोरमेंट प्लांट है लेकिन अभी ये जो प्लांट है इसकी कुछ स्थिति ठीक नहीं है और जो कलर्स वगैरह है वो सब डल हो चुके हैं, लेकिन इस प्लांट की कटिंग हम लगा सकते हैं तो ये आसानी से लग जाता है। तो आप कोई भी अपने गार्डन में इस प्लांट का कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और फिर है हमारा मनी प्लांट की भी आप कटिंग दिसंबर महीने में आप लगा सकते हैं, लेकिन ये डोरमेंट प्लांट है। डोरमेंट प्लांट होने के साथ साथ ये प्लांट भी कटिंग से लग जाता है दिसंबर महीने में, तो इस प्लांट की कटिंग भी आप लगा लीजिए। और इसके बाद है हमारा ईफोर्बिया मिली, इस प्लांट की भी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे इसके फ्लावर आते हैं। और ये इस प्लांट पे जो होते हैं कांटे होते हैं बहुत सारे, तो इस प्लांट को ध्यान देख करके आप कटिंग लगाइए। इसमें जो वाइट सा जो दूध सा निकलता है उसको थोड़ा सा सूख जाने दीजिए, उसके बाद आप इसको कटिंग को लगाइए। और कुछ ही टाइम में ये ग्रो हो जाती है, नई नई शूट निकलने लग जाती है और इस पे इस तरह से फ्लावरिंग होती है, छोटी छोटी जो है बंचेस में फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। काफी दिन तक ये फ्लावर करता रहता है और ये फ्लावर स्पेंड नहीं होते हैं जल्दी। तो इस प्लांट को आप लगाइए और देखिए ये यहाँ पे शुरू हुए फ्लावर बनना और यहाँ पे बन चुके हैं, देखिए इस तरह से ये खिल जाते हैं। तो ईफोर्बिया मिली को आप कटिंग से लगाइए। और इसके बाद है हमारा गुलदाउदी प्लांट है, गुलदाउदी प्लांट को भी आप कटिंग से लगा लीजिए। देखिए वैसे तो ये कटिंग लगाने का इसका समय नहीं है, अगर आपने नया प्लांट कोई परचेज किया है नर्सरी से आप लेके आए हैं और आपके पास कोई प्लांट नहीं है, इसका सिर्फ एक ही प्लांट है, तो आप इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। घना बनाने के लिए कटिंग से लगाइए और इसके बाद जब इसकी फ्लावरिंग होगी तो फरवरी मार्च तक इसकी फ्लावरिंग फरवरी तक लगा लीजिए, फरवरी तक इसकी जो है फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और फिर ये काफी टाइम तक आपके गार्डन में बना रहेगा। तो आप गुलदाउदी प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप कटिंग से लगाइए, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होता है। और ये मैंने देखी आप कटिंग से लगाई हुई है, छोटी सी इसकी कटिंग से लगाई थी लेकिन पता नहीं था इतनी जल्दी ये फैल जाएगी, बहुत जल्दी फैल गई है। और अभी मतलब डेली इसमें नई नई शूट सी निकलती रहती है, ये देखिए यहाँ पे भी आप देखिए, मतलब इसकी रोज नई नई पत्तियां बढ़ती रहती है, आज इतनी बड़ी है कल इतनी बड़ी है, मतलब ये देखिए ये कल की है और ये जो आप देख रहे हैं ये आज की है, तो नई नई इसकी पत्तियां बढ़ती रहती है। तो ये स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप पूरा ही स्वीट पोटैटो आप मिट्टी में रख के उससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये प्लांट भी, और इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए आप।
और इसके बाद है हमारा जड़ प्लांट है, जड़ प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। अभी ये भी डोरमेंट प्लांट है लेकिन ग्रोथ इसमें अभी भी हो रही है, ये देख सकते हैं छोटी छोटी सी इसमें जो है ग्रोथ हो रही है, तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। कैलेंचो, कैलेंचो का प्लांट भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, ये है देसी वाला कैलेंचो है, आप हाइब्रिड वाला भी लगा सकते हैं, वो मेरे पास नहीं है लेकिन फ्लावरिंग जो है दोनों में खूब अच्छी होती है, और ये देसी वाला है तो देसी वाला भी आप लगा सकते हैं, हाइब्रिड है तो आप हाइब्रिड को भी लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने नर्सरी से परचेज किया था, एक प्लांट परचेज किया था, उसके बाद मैंने इसके दो तीन प्लांट बना लिए हैं, ये देखिए एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। तो इस तरह से आप इसको देसी वाले कैलेंचो को भी लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी से ये ग्रो जाता है। और ये देखिए यूफोर्बिया मिली की कटिंग यहाँ पे भी मैंने लगाई हुई है, और एक और दिखाऊंगी मैं आपको, वो भी छोटे से डब्बे में लगा हुआ है, और देखिए प्लास्टिक बोतल में इसको लगाया हुआ है मैंने, तो इसको भी आप कटिंग से जरूर लगाइए। और देखिए यूफोर्बिया मिली यहाँ पे मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, और आप देख सकते हैं इस बोतल की हाइट कितनी है, बिल्कुल थोड़ी सी हाइट है इसकी, और हाफ हिस्सा कट करके मैंने इसमें लगाया है, और देखिए इसमें तो फ्लावरिंग भी हो रही है, तो इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, और ये मैंने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं, तो देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है इस समय इसमें, तो आप लगाएंगे तो जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। आप छोटे छोटे से कंटेनर में भी इसको लगा सकते हैं, आप देखिए मैंने बोतल का हिस्सा कट करके इसमें लगाया हुआ है, तो आप कोई भी पॉट इसको दे सकते हैं तो उसमें आप लगा सकते हैं। और साथ में सिंगोनियम प्लांट है, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, इस प्लांट की भी कटिंग लग जाती है, और ये डोरमेंट प्लांट है वैसे तो, लेकिन अभी आप इसकी कटिंग लगाएंगी तो लग जाती है, और एक कटिंग से आप ढेरों प्लांट इसकी बना सकते हैं। ट्रायंगल हार्ट, ट्रायंगल हार्ट की भी प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं, इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग्स लग जाती है, ये प्लांट भी डोरमेंट प्लांट है लेकिन आप इसकी कटिंग अभी भी लगा सकते हैं, अभी भी ये ग्रो कर रहा है, स्लो ग्रोथ करता है लेकिन ग्रोथ किसी भी प्लांट की नहीं रुकती है, किसी कोई ऐसा प्लांट है जिसकी ग्रोथ रुक जाती है नहीं, तो सभी प्लांट की ग्रोथ चलती रहती है, स्लो जरूर हो जाती है लेकिन ग्रोथ इनकी रुकती नहीं है। तो ये देखिए ट्रायंगल हार्ट की भी ग्रोथ रुकी नहीं है, स्लो जरूर हो गई है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं छोटे से छोटे पॉट में भी, ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटे से पॉट में इसको लगाया हुआ है, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही लगाया है, और वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रो हो रहा है, और इसके अंदर भी अभी मैंने लगाई है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने अभी तीन चार दिन पहले इसकी कटिंग्स लगाई है, ये है ट्रायंगल हार्ट, तो अभी तीन चार दिन पहले ही लगाई है, तो ग्रो होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, तो इसको भी लगा सकते हैं। और यहाँ देखिए ये मैंने पेंसिल कैक्टस की भी कटिंग्स यहाँ पे लगाई हुई है, तो इस तरह से आप प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। और ये है स्नेक प्लांट, है स्नेक प्लांट की कोई भी वेराइटी आप लगा सकते हैं, चाहे तो ड्वार्फ वाली है चाहे लॉन्ग वाली है, कोई भी आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से इसमें जो है एक स्टोक भी निकलता है, इस पे ये फ्लावर आया हुआ है, तो इस तरह से इस पे फ्लावरिंग भी होती है, काफी खूबसूरत लगता है। और मेरे पास ये दूसरी वाली वेराइटी है, एक है मतलब चौड़ी पत्तियां वाली है, एक छोटी पत्तियों वाली है, एक बड़ा पत्ती वाली है, मतलब तीन चार वेराइटी मेरे पास है, तो इस प्लांट को भी आप लगा सकते हैं स्नेक प्लांट। और इसके बाद देखिए ये है कैलेंचो बोलते हैं, सेकुलेंट बोलते हैं या पत्थरचट्टा बोलते हैं, मैंने कईयों के मुंह से सुना हुआ है, अलग अलग नाम बोलते हैं सब इसके, लेकिन असली में जो नाम है मुझे अभी तक इस प्लांट का पता नहीं चला है, लेकिन मैं इसको डंकीज ईयर बोलती हूँ। इस प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, कटिंग से मतलब इसके जो बेबी प्लांट निकलते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से बेबी प्लांट निकलते हैं इसके, इस तरह से आप लगा सकते हैं, ये इसके जो बेबी प्लांट है ये ही हमारे जो है प्लांट है, और इसका जो है बड़ा प्लांट मैं दिखाती हूँ, आप इसको पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, ये मैंने एक पत्ते से ग्रो किया हुआ था, और अभी आप देख सकते हैं पूरा ये जो है प्लांट बन चुका है, और एक ही साइड में ये जा रहा है, बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है। बड़ा प्लांट मैं इसका दिखाती हूँ, ये देखिए इसका जो है मदर प्लांट यहाँ पे है, ये देखिए ये इतने इस तरह से इसके जो है बेबी प्लांट निकलते हैं, और अभी टूट के गिर गया है नीचे प्लांट, तो इस तरह से ये टूट टूट के गिरते रहते हैं, और इसी से हमारे ये जो है प्लांट बन जाते हैं, ये ही
हमारे जो है प्लांट है, ये देखिए यही हमारे प्लांट है, पत्ती के ऊपर जो है इसके प्लांट निकलते हैं और इसी में इसकी रूट होती है। तो इसको मिट्टी में रखने से ये प्लांट हमारे ग्रो हो जाते हैं और इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं। आप इसको बास्केट में लगाइए, पॉट में लगाइए, कहीं भी लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगता है। बस आपको इसका छोटा सा बेबी प्लांट लगा लीजिए, उसी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और ये थे सारे दिसंबर में ग्रो होने वाले प्लांट है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो लोग नए नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी साथ में दबा दें ताकि जो भी मेरी नई आने वाली वीडियो है आप तक पहुँच जाए और आप फटाफट से उसको चेकआउट कर लें। तो चलिए फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।